काल से जो बुजुर्ग आए हुए हैं, जो हमारे साथ चलकर दूर दूर से सभी मुखियागत हमारे बड़े भाई जैसे वो भी जनता से जुड़े हुए लोग दिल में साहब के मोहब्बत को सजाए हुए हैं, सभी को मैं आदाब सलाम प्रणाम करती हूँ। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। ये पूरी राज्य में बड़ा मंच नहीं है, मैं जमाल माता के गांव में अक्सर आती जाती हूँ। यहाँ से जो बच्चों ने आमंत्रित नहीं गए थे कि आप मेरे गांव में आएंगे, अचानक से इतना बड़ा प्रोग्राम कर दिया, कोई पहले से तैयारी नहीं थी, लेकिन हम बच्चों का भी बहुत बड़ा है, कोई इतना बड़ा कार्यक्रम उन लोगों ने बना दिया। ये जो असम नगर कमेटी जमाल माता सदस्य इमाम जाकी जो चेयरमैन है यहाँ के, बहुत अंसारी ऋषि है राजू अंसारी, सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया इतने बड़े प्रोग्राम करवाने के लिए। मैं तो अपने घर में आई थी, अपने लोगों से अपनी तकलीफों को उनकी अपनी बातों को सुनने और समझने के लिए। मैं चाहती हूँ कि हम लोग भूल कर बिना मंच बिना टेंट के सामने बैठकर आपने सामने अपनी दुख दर्द को दूर करूं। मैं सभी लोगों से ये चाहती हूँ कि लोग जो भी बात कहनी हो अपनी दुखों को शेयर करनी हो डायरेक्ट करें। आज जो इतना बड़ा जन सैलाब एक छोटे से गांव में होता है, ये लोगों की मोहब्बत है, साहब नहीं है लेकिन हर कोई साहब की जैसा एंटरटेनिंग दिखता है। मैं इसलिए कहीं भी जाती हूँ मुझे इसी तरह का सम्मान मिलता है, मुखाबत मिलती है। मैं अपने आप को किस्मत समझती हूँ कि इतना सम्मान इतनी मुहाबत किसी को कहाँ मिलती है। तो जो उन्होंने आप लोगों के साथ रिश्ता बनाया है, इंशाल्लाह मैं जब तक जिंदा हूँ आप लोगों के साथ ये रिश्ता कायम रखूंगी। ये जो नौजवान बच्चे हैं, ये नौजवान बच्चों के बारे में बहुत बड़े बड़े लीडर आते हैं जाते हैं, कोई इनके बारे में ये नहीं कहता है कि इनकी एजुकेशन फ्री होनी चाहिए, इनका रोजगार होना चाहिए, यहाँ पर बहुत बड़ा कल्चर खाना स्वाद में लगना चाहिए, ये बात कोई नहीं कहता है। कोई उस तरह तक नहीं पहुँचता है जहाँ पर हमारी माँ बहनों का दर्द है, उस दर्द को सुनने वाला कोई नहीं है। हम आपस में एक दूसरे को दूसरे से ये दर्द और दुख और सुख बांटेंगे और हमेशा बांटते रहेंगे। हमें सिर्फ इतना चाहिए कोई भी लीडर आए लेकिन केवल हमारी दुख दर्द को समझे और यहाँ रोजगार लाए, चाहे स्वास्थ्य के केंद्र में जाइए, वहां पर हमारी गरीब महिलाओं बुजुर्ग जो हमारी चचा भिन्ना है उन लोगों को सहायता मिले। उस सहायता को लेने के लिए, उन तक सहायता पहुंचाने के लिए बहुत बड़े बड़े लोग मंथा बनाते हैं लेकिन फेल हो जाता है। कामयाब उसी तक होगा ना जब उनके घर तक आप पहुंचेगा, उनकी तकलीफों को दूर कीजिएगा और कल और सही में समाज सेवक बनिएगा। मैं चाहती हूँ कि आप लोग
मेरी सरकार सबसे आप लोगों की छोटी छोटी बातों से और जहां तक मुझसे हो सकेगा मैं आपको सहायता करने की कोशिश करूं। देखिए बातें बहुत होंगी, बहुत सारी होंगी, लेकिन क्या है कि अगर आप एक दूसरे के साथ नहीं गिना कदर भूल कर एक दूसरे के साथ कदर से कदर मिलाएंगे तो अपने आप ये समाज आगे बढ़ेगा और हम लोग हम सब एक हैं, एक रहेंगे हमेशा।